मित्रता की आड़ में छुपकर चीन ने हम पर आक्रमण कर दिया। 24 अक्टूबर 1962 मेजर शैतान सिंह। भले कच्ची उम्र में जिंदगी की शाम आ जाए, ये मुमकिन ही नहीं कि खून पर इल्जाम आ जाए। हमारे गांव में बहने उसे राखी न बांधेगी, पलट के जंग से भाई अगर नाकाम आ जाए। मैं कैलाश हूं, कैलाश पर्वत, और आज मैं आपको एक आम बोले की कहानी, उस पराक्रम की कहानी जो मानवीय शक्ति और सामर्थ्य से परे, उस शौर्य की कहानी जिसे हमने आंखों से न देखा होता तो किंवदंती कहकर झुठला देते, उस अदम्य साहस की कहानी जो घटते हुए तापमान के साथ और कहा, उस युद्ध की कहानी जो भारत के रणबांकुरों ने आखिरी गोली और आखिरी सांस तक ला। ये कहानी है 1962 के भारत चीन युद्ध की। ये कहानी है रीजन प्लान की। हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगाकर हमारी पीठ में विश्वासघात का खंजर उतार देने वाला चीन आज भी रिजान ला की लड़ाई याद करके थर्रा उठता है। बात तब की है जब हमारी आजादी को सिर्फ 15 वर्ष हुए थे। हम घुटनों से उठकर पैरों पर खड़े होने की कोशिश कर रहे थे। हमारे सैनिकों की छातियां साहस और संकल्प से भरी हुई थी, लेकिन हमारे हथियार घर अत्याधुनिक हथियारों से खाली थे। मित्रता की आड़ में छुपकर चीन ने हम पर आक्रमण कर दिया। जब तक हम उनकी नीयत भांप पाते, संभल पाते, वो हमारी सीमाओं में भीतर तक प्रवेश कर चुके थे। चीन की गिद्ध दृष्टि उस सेक्टर पर थी जो सामरिक दृष्टि से जीतना उनके लिए बेहद जरूरी था, चुशुल। इसी के फलस्वरूप जम्मू कश्मीर के बारामूला में स्थित 13 कमान को चुशुल सेक्टर में डिफेंस इख्तियार करने का हुक्म दिया गया। 2 अक्टूबर 1962 को कमान अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल H.S. ढिंगरा की अगुवाई में 13 कमान ने ले पहुंचकर 114 इन्फेंट्री ब्रिगेड में रिपोर्ट किया। 13 अक्टूबर 1962 को बटालियन चुशुल एयरफील्ड की सुरक्षा के लिए रवाना हुई तथा 24 अक्टूबर 1962 तक पूरी बटालियन चुशुल में एकत्रित हो गई। यही चुशुल की घाटियों में समुद्र तट से 16,440 फीट की ऊंचाई पर स्थित है रिजंगला। रिजंगला दक्षिण पूर्वी दिशा में एक प्रहरी की तरह खड़ा है और चुशुल घाटी को दिन रात सुरक्षा प्रदान कर रहा है। रिजंगला पर डिफेंस इख्तियार करने की जिम्मेदारी मेरे उस पराक्रमी बेटे को सौंपी गई जिसे राजस्थान की वीर भूमि ने महाराणा प्रताप और बप्पा रावल की कहानियां सुनाकर पाला था, मेजर शैतान सिंह। दुश्मन किसी भी वक्त रिजंगला पर आक्रमण कर सकता था। उल्टी गिनती शुरू हो चुकी थी। एक एक पल हार और जीत का अंतर सिमटता जा रहा था। मेजर शैतान सिंह ने पलक चपकने की प्रतीक्षा भी नहीं की, रिजंगला पर अपनी कंपनी द्वारा डिफेंस इख्तियार कर दिया। इन बर्फीली घाटियों पर तापमान 0 से 40 डिग्री नीचे तक फिसल जाता है, और विज्ञान कहता है कि इंसान का शरीर इतनी ठंड बर्दाश्त करने के लिए नहीं बनता। एक बार तापमान में शरीर के अंदर प्रवेश कर गया तो हृदय गति रुकने को डर है। लेकिन अगर कोई ये कहे कि उसे मौत से डर नहीं लगता तो या तो वो झूठ बोल रहा है या फिर वो भारत का सिपाही है। मेजर और उनके लड़ाकों को तापमान की नहीं,
नवंबर 1962 प्रातः 4 बजे नायक हुकुमचंद की नेतृत्व में नंबर 8 प्लटून के एक पेट्रोल ने भारी संख्या में दुश्मन को अपनी प्लटून की तरफ बढ़ते देखा। उन्होंने तुरंत री लाइट फायर और लाइट मशीन गन के बर्स से सबको अलर्ट किया, जिसके फलस्वरूप पूरी कंपनी स्टैंड टू में आ गई। मेजर शैतान सिंह ने सभी पेट्रोल कमांडरों को हुक्म दिया कि वो अपने अपने इलाके के आगे पेट्रोल भेजे ताकि दुश्मन के बारे में अधिक से अधिक जानकारी हासिल की जा सके। जिसके बाद तमाम पेट्रोल्स ने भारी संख्या में चीनी सैनिकों के मौजूद होने की पुष्टि की। सवेरे 5 बजे दुश्मन ने हमारी नंबर 7 और नंबर 8 पेट्रोल पर सामने से हमला बोल दिया। दुश्मन का आक्रमण बहुत भारी था, लेकिन हमारी वीरता को हल्का समझने की गलती चीनी कर चुके थे। हमने अपनी लाइट मशीन गन और मोटर्स का मुंह खोल दिया और देखते ही देखते लाशों के ढेर लगा दिए। ज्यादातर चीनी मारे गए और जो बच गए वो जान बचा पीछे भागे। सामने से आक्रमण विफल होने के पश्चात दुश्मन ने दूर से गोलीबारी शुरू कर दी। जमादार हरिराम के नेतृत्व में हमने इस गोलीबारी का डट के मुकाबला किया, लेकिन वो गिनती में बहुत ज्यादा थे और हम बहुत कम। चीन की सेना ने इस इलाके पर कब्जा कर लिया और हमारे वीर सिपाही संगीनों पर सर रख के हमेशा के लिए सुने। तभी उत्तरी छोर से नंबर 7 पेट्रोल पर भी दुश्मन ने हमला बोल दिया। जमादार सुरजा ने 3 इंच मोटर सेक्शन को आगे बढ़ते दुश्मन को निशाना बनाने का हुक्म दिया। मोटर सेक्शन ने कारगर फायर डालते हुए दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचाया। दुश्मन ने अतिरिक्त जवानों और मीडियम मशीन गन के साथ फिर से हमला किया। इस बार लड़ाई सिर्फ बंदूकों और गोलियों से नहीं, हाथों से भी लड़ी गई। कुश्तीबाज लांस नायक सिंह राम यादव ने 10 चीनी सैनिकों को बालों से पकड़कर चट्टानों पर पटक पटक कर मार डाला। उनकी फौलादी भुजाओं से टकरा के चीनियों के हौसले चढ़क गए। इस प्लटून के समस्त सैनिक अटल शौर्य के साथ लड़े और हंसते हंसते वीर गति को प्राप्त हुए। अब दुश्मन अपने आक्रमण का रुख प्लटून नंबर 9 की ओर मोड़ चुका था। चीनियों ने भीषण गोलीबारी की और हमने एक एक गोली के जवाब में 10-10 छातियां आगे कर दी। मैंने अपनी आंखों से देखा मेजर शैतान सिंह का शौर्य, मैंने देखा उस जाबाज का जलाल, देखा कि कैसे उसके सीने से टकरा के संगीनों की धार उड़ गई और कैसे उसकी ललकार सुन के चीनी आंखों की नींद उड़ गई। मेजर शैतान सिंह के बदन में चीन का लोहा घुसता रहा और वो दिलेर चीनियों की बुजदली पर हंसता रहा। बदन खून से लथपथ था, लेकिन आवाज में बिजलियां अब तक कड़क रही थी। मेजर शैतान सिंह ने अपने सिपाहियों को ललकारा, काट देना या कटना, पर सौगंध है तुम्हें भारत मां की, पीछे मत हटना। मेजर शैतान सिंह बुरी तरह घायल थे, उन्हें फौरन सुरक्षित ठिकानों की तरफ बढ़ने का आदेश दिया गया, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने नायक रामचंद्र यादव और उनके साथ एक और जवान को बटालियन हेडक्वार्टर भेज दिया ताकि वे दुश्मन के आक्रमण की खबर पहुंचा सके। मेजर शैतान सिंह आखिरी गोली और आखिरी सांस तक लड़े, फिर भारत मां के चरणों में अपने प्राणों की बलि चढ़ाए। तकरीबन 16 घंटों तक चले इस महासंग्राम में चीन ने 1,300 सैनिक खो दिए। चीन के अखबारों में भारतीय सैनिकों की वीरता के किस्से छपे। ऐ शहीद मुल्को मिल्लत, मैं तेरे ऊपर निसार, अब तेरी हिम्मत के चर्चे गैर की महफिल में हैं। मेजर शैतान सिंह और उनके साथियों ने चीनियों की हिम्मत तोड़ दी।
उन्होंने चुशूल पर कब्जा करने का विचार हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया। युद्ध के 3 महीने बाद फरवरी 1963 में भारतीय फौजी वहां पहुंचे तो देखा कि बर्फ में सिपाहियों के पदम अकड़ गए थे, लेकिन हाथ से बंदूकें नहीं छूटी थी। मेजर शैतान सिंह को उनकी उत्कृष्ट वीरता, अदम्य साहस, दृढ़ निश्चय और पराक्रम के लिए मरणोपरांत भारतीय सेना के सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से अलंकृत किया गया। रिजांगला के युद्ध में वीरता की नई गाथा लिखने वाले जवानों को एक अति विशिष्ट सेवा में 8 वीर चक्र, 4 सेना मेडल और 1 मेंशन इन डिस्पैच प्रदान किए गए। इस युद्ध की स्मृति में कठिन कमाओं की चाबी का ओ भाई हम आ गए हैं रिजांगला मेमोरियल। जाने से पहले यहाँ पे एंट्री करवानी पड़ती भाई, तो यहाँ से एंट्री करेंगे। अगर आ चुके हैं हम तो यहाँ मूवी कुछ देखने को मिल रही है, तो पहले वहाँ चलते हैं। ये वाटर बॉटल्स है जिसमें बुलेट लगे हुए हैं, ये 50 mm कंटेनर है और ये स्प्रे भी है। उधर से जूला कॉम्प्लेक्स पड़ता था, उधर लगी हुई है सामने, उधर बीपी में से दिखती है सामने।
और सामने है एडी व्हीकल जो हेलीकॉप्टर 45 डिग्री में चढ़ जाता था। ये सब पेंगोंग रेंज की पेंगोंग लेक की सॉरी जिसमें दोनों फेस ऑफ हो रहे हैं सब। ये चाइनीज बोट है जेंडेज बोट है। ये सब चित्र जो दिखाया गया कि जवान कैसे कैमोफ्लाइज और कंसीलमेंट करते हैं सब। ये पेट्रोल जा रही है सब नीचे जानवर के ऊपर की है जब लेफ्ट में जाना बाइक के जोशी था भाई। जैसा वो ओल्डर जानवर जी यही ऐसा पहले ऐसा था अभी 2021 में रिनोट किया इसको। और साहब जो है मिसिंग लेटर शिवराज सिंह की वर्ग द्वारा लिखा गया था डिफेंस मिनिस्टर को और 3 मंथ के बाद बॉडी मिली थी सब ऊपर से। ये सब न्यू जानवर जो चलते हैं अब यहाँ से। ओ भाई ये वो भूमि है जहाँ पे इतिहास लिखे गए हैं।